23 जनवरी को टीम इंडिया के बैटर केएल राहुल बॉलीवुड एक्ट्रेस आथिया शेट्टी से शादी कर रहे हैं, पर शादी के बाद क्या राहुल का करियर और चमकेगा। केएल राहुल ने 2014 में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया। अब तक खेले 45 टेस्ट में उन्होंने 2604 रन बनाए, 7 शतक और 13 फिफ्टी लगाई। वहीं वनडे के 51 मैचों में उन्होंने 1870 रन बनाए। टीम इंडिया के सबसे चहेते कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो शादी के बाद उन्होंने भारतीय टीम को 2 आईसीसी ट्रॉफी जिताई। 4 जुलाई 2010 को टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने साक्षी सिंह से शादी की। शादी से पहले उन्होंने भारत को अपनी कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप जिताया, तो शादी के बाद धोनी ने भारत को वनडे वर्ल्ड कप और आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। वहीं विराट कोहली ने 11 दिसंबर 2017 को बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा से शादी की। शादी के पहले वे भारत की टेस्ट टीम के कप्तान थे। शादी के बाद उन्हें तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया गया। कोहली ने अनुष्का से शादी करने के बाद भारत को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वेस्टइंडीज में टेस्ट सीरीज भी जिताई। तो इधर मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा ने 13 दिसंबर 2015 को रितिका सचदेह से शादी की। शादी से पहले उन्होंने 14 टेस्ट में 608 रन बनाए, 29 वनडे में 1393 रन बनाए, इनमें 2 दोहरे शतक भी शामिल थे। वहीं शादी के बाद 2015 से 2017 तक खेले गए 7 टेस्ट में उन्होंने 505 रन बनाए, 30 वनडे में 1850 रन बनाए। कुल मिलाकर शादी के बाद रोहित का क्रिकेट करियर पीक पर पहुंचा। साथ ही 2002 में उन्हें टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट का कप्तान भी बना दिया गया। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए